राजकुमारी डायना। बहुत समय पहले एक राज्य था, वो इतना दूर था कि बिल्कुल परी देश के पास था। आज के दिन राजा और रानी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके यहाँ एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई थी और उन्होंने जश्न का ऐलान किया था, जहाँ परी देश की सभी परियों को नामकरण के लिए बुलाया गया था, ताकि वो राजकुमारी को सबसे प्यारी दुआओं से बख्शे। ओह, मैं तो परियों के आने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वो मेरी बच्ची पर उपहारों की बारिश कर देंगे, या तो बहुत सारी दौलत या बेहद सुंदरता, या फिर थोड़ी बहुत जादुई शक्ति भी दे सकते हैं। राजा और रानी ने एक खूबसूरत जश्न रखा। राजकुमारी का नाम राजकुमारी डायना रखा गया। सभी परियों ने बच्ची को अच्छे अच्छे तोहफे दिए। आखिर में थी परी काफिला, परी देश की महारानी। परी काफिला आगे बढ़ी और उसने बच्ची को चूमा और उसे नीडर होने का आशीर्वाद दिया। सभी ने उसे बस चूमते हुए देखा, पर किसी ने दुआ देते हुए नहीं सुना। महारानी ने अपने साथ खड़ी हुई मोहतरमा से फुसफुसाया, ओह, उसने बस तुम्हें चूमा दिया? इसमें उपकार जैसी तो कोई बात नहीं हुई, इसे तो उपहार भी नहीं कह सकते। परी काफिला ने ऐसा क्यों किया? परी काफिला ने सब कुछ सुन लिया था। उसने रानी की इस बेइज्जती का बुरा नहीं माना और उसने फैसला किया कि समय आ गया है कि उन महारानियों को सबक सिखाया जाए कि मेहमानों से कैसे पेश आते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मेरा तोहफा पसंद नहीं आया है, तो मैं एक और देती हूँ। तुम एक पत्थर दिल वाले राजकुमार से शादी करोगी। राजा और रानी घबरा गए और वो सोचने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक पत्थर दिल वाला राजकुमार वो होगा जिसमें ना तो प्यार होगा, ना वो नेक दिल का होगा और ना ही वो किसी को खुशी दे सकेगा। उन्हें लगा कि एक पत्थर दिल वाला राजकुमार ऐसा होगा जो एक जालिम इंसान होगा। हमारी बेटी किसी पत्थर दिल वाले राजकुमार से शादी नहीं करेगी, समझी? हम एक परी की बद्दुआ के आगे क्या कर सकते हैं? मैं एक राजा हूँ और अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो राजा ने एक सुंदर आलीशान बगीचा बनवाया। बगीचा सबसे मीठे फलों से और खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। बगीचे के बीच में उसने एक मीनार बनवाई और बगीचे के चारों ओर उसने एक ऊंची दीवार बनवाई कि सिर्फ सूरज की रोशनी ही अंदर आ सके और अंदर क्या है ये बात किसी को पता ना चले। बगीचे को 3 बड़े बड़े दरवाजों से बंद किया गया और हजारों सिपाही दिन और रात वहाँ पहरा देते थे। और इसी मीनार में राजकुमारी बड़ी हुई। वो इस बगीचे को छोड़ना चाहती थी और दीवार के उस पार की दुनिया देखना चाहती थी। वो उदास थी, उसे अपने दिल में जरा भी खुशी महसूस नहीं होती थी। वो परियों की कहानियाँ पढ़ती थी और उन्हीं कहानियों में खो जाती थी। पर उसे रपंजल की कहानी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो भी उसी की तरह मीनार में कैद थी। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस मीनार के बाहर नहीं जा सकती हो? तुम्हें बद्दुआ लगी है, मेरी बच्ची डायना, तुम्हें बद्दुआ लगी है। पर माँ, हम ये यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो एक बद्दुआ है? आपको पता है ना, परियां ज्यादातर पहेलियों में बात करती हैं, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि वो राजकुमार एक बुरा इंसान होगा। इसका और क्या मतलब हो सकता है डायना? मुझे नहीं पता, पर ये मान लेना भी गलत होगा कि ये बुरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और पिताजी, मैं ऐसे कैद क्यों रहूं? बस इसलिए क्योंकि एक राजकुमार के पास अजीब दिल है? बस बहुत हुआ डायना, क्या तुम प्याली को मेज पर ठीक से नहीं रख सकते हो? माफी महाराज। माफी मेरी ज्योती, दफा हो जाओ। पिताजी, ये इसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने ही चाय गिराई थी। डायना, अपने पिताजी से ऐसे बर्ताव करते हैं? मुझे माफ कीजिए माँ, पर पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। एक राजा होने के नाते आपको हमारे देश के कानूनों का पालन करना चाहिए।
आप खुद की गलती दूसरों पे नहीं थोप सकते। ओह डायना, मैं अपने पिताजी की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरी सुरक्षा के लिए परेशान रहते हैं। नहीं राजकुमारी जी, मेहरबानी करके मुझसे माफी ना मांगे। आप बहुत नेक दिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस राज्य से थोड़ी ही दूर एक राजकुमार दुनिया देखने के लिए अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था। एक दिन जैसे ही वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वो बहुत ही बीमार लग रहा था। क्या बात है बाबा? मैं अपने घर कैसे पहुंचूं जो उस पहाड़ पर है, क्योंकि इस धूप की वजह से मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं बची है चढ़ने की। मैं आपको अपने घोड़े पर ले जाऊंगा। हाँ नहीं, पहाड़ बहुत ही ऊंचा है, तुम्हारा घोड़ा चढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं आपको पीठ पर उठाकर आपके घर ले जाऊंगा। और राजकुमार ने बिल्कुल वही किया। राजकुमार, तुम वाकई में एक नेक दिल इंसान हो। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आने वाले दिनों में मैं बहुत मुसीबतें देख रहा हूँ, पर साथ ही एक बेखौफ दिल वाली राजकुमारी तुम्हें बचा लेगी। वो नेक भी है और बहादुर भी, और वो तुम्हारी सच्ची हम सफर बनेगी। बुजुर्ग आदमी ने राजकुमार को बताया कि उसे राजकुमारी को ढूंढने के लिए कहां पर जाना होगा, और उसने ये भी बताया कि राजकुमारी का नीडर होना ही उसकी पहचान बता देगा। तो राजकुमार कई दिनों तक सफर करता रहा। वहां राजकुमारी के महल में उस रात एक अजीब मेहमान उससे मिलने आई। हेलो राजकुमारी। अरे आप मेरी बड़ी काफिला है। ओह, तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने सुना है मेरे बारे में या मेरी बद्दुआ के बारे में सुना है? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? भला मैं आपसे नाराज क्यों रहूं? मेरा मानना है कि अपने आप में ही ना तो कोई बद्दुआ होती है और ना ही वरदान कुछ होता है। समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को देखो, उसके लिए तुम्हें इस महल को छोड़ना होगा। काश। मैं तुम्हारी परी काफिला हूँ, अगर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद करना, ठीक है? ये आज रात के लिए थोड़ा सा जादू ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, समझी? जादू? याद रखना, जादू सिर्फ उनके लिए काम करता है जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो उस रात डायना बगीचे में सैर के लिए निकल पड़ी, उन जादुई पत्थरों को साथ लिए। अचानक महल पर एक कोहरा छा गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक डायना के आगे एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई और उसने उसे पीछे आने के लिए कहा। आओ, आओ डायना, रोशनी के पीछे आओ, अपनी किस्मत की ओर बढ़ो। डायना ने उस रोशनी का पीछा किया। जादू की वजह से बगीचे के तीनों दरवाजे उसके लिए खुल गए। हाँ? डायना को यह एहसास हुआ कि जो सिपाही दरवाजे पर पहरा दे रहे थे वो उसे नहीं देख सकते थे। तो इसका मतलब परी काफिला सच में चाहती है कि महल के बाहर चली जाऊं। अपने भविष्य को देखो। कोहरे को पार कर डायना उस रोशनी का पीछा करती रही और महल के बाहर पहुँच गयी। बाहर जाते ही महल के दरवाजे बंद हो गए और वो उस रोशनी का पीछा करते करते जंगल के अंदर चली गई, और वो जंगल में खड़ी थी कि रोशनी चांद के अंदर गायब हो गई। अपनी जिंदगी में पहली बार राजकुमारी उस महल से बाहर आई थी और वो सब कुछ देख हैरान थी। क्या बाहर की दुनिया ऐसी लगती है? ये तो बहुत बहुत सुंदर है। डायना काफी देर तक जंगल के बीच ही खड़ी रही, चांद को महसूस करते हुए और रात की खुशबू और आवाज को महसूस करते हुए। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने देखा कि कुछ लोग एक बाघ के पीछे पड़े हैं। उनके हाथों में तीर और कमान थे और वो हमले के लिए तैयार थे। वो बेचारा बाघ उनसे भागने की कोशिश कर रहा था और वो एक तालाब के पास जाकर रुक गया।
राजकुमार जो पास में ही सो रहा था उसने भी उस बाघ की आवाज को सुना और वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। रुको, इसे मत मारो, इस बेचारे जानवर को जाने दो। रास्ते से हट जाओ, इस बाघ ने हमारे लोगों पर हमला किया है। तो फिर अपनी जमीन के आगे एक दीवार बना दो, पर इस बेचारे जानवर को जाने दो। अपनी तीर कमान नीचे रख दो अभी। ये तुम्हारी राजकुमारी है, इस पर हमला करने की जरूरत मत करना। क्या? सच में? तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? मुझे बताया गया था कि एक बेखौफ दिल वाली राजकुमारी इसी राज्य में रहती है। और तुम कौन हो? मैं हूँ एडविन, ग्रीनलैंड का राजकुमार, एक राज्य जो पहाड़ों के उस पार है। मैंने ऐसी शेर दिली और बहादुरी आज तक नहीं देखी राजकुमारी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजकुमार एडविन? मैं एक साल तक दुनिया की सैर करना चाहता था और जहाँ जरूरत हो वहाँ मदद करना चाहता था। अभी अभी तुमने मेरी मदद की है, धन्यवाद। क्या तुम मेरे साथ सैर पर चलना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ रहे हैं जो उस जादूगर का है जिसके पास 3 ड्रैगन्स हैं। जादूगर लोगों को यूं ही परेशान करता था और शौकिया तौर पर अपना जादू इस्तेमाल करता। उसने क्रिस्टल बॉल में राजकुमार और राजकुमारी को देख लिया था तो उसने एक बुजुर्ग आदमी की शक्ल ले ली। इस जंगल की सैर करना मना है क्योंकि यह उस 3 ड्रैगन वाले जादूगर का है जो काला जादू करता है। ओह, क्यों ना आज रात तुम मेरी छोटी सी कुटिया में बिता लो। कल सुबह होते ही तुम जा सकते हो क्योंकि सुबह होते ही उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती। और इस तरह वो जादूगर जो लोगों को खुश देखकर जलता था उसने राजकुमार और राजकुमारी को गुमराह किया और वो उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ पर जब उन्होंने उसके डरावने घर में भूतिया मूर्तियों को देखा तो राजकुमार का दिल थोड़ी देर के लिए डर से बैठ गया और जादूगर इसी मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके जादू टोने को काम करने के लिए उसे डर की जरूरत थी। ये कितनी डरावनी जगह है डायना। हाँ अजीब है पर मुझे ये डरावना नहीं लगता है। जादूगर ने उन दोनों पर एक जादू टोना किया पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका असर सिर्फ राजकुमार पर ही हुआ है क्योंकि डायना को डर नहीं था तो जादू का असर उस पर नहीं हुआ। उस जादू टोने की वजह से राजकुमार पत्थर में बदल गया। डायना हैरान रह गई पर ये देखकर कि जादू का असर डायना पर नहीं हुआ जादूगर और भी ज्यादा हैरान हो गया। आखिर तुम पर ये जादू का असर क्यों नहीं हुआ राजकुमारी? हजारों सालों तक ऐसा कोई नहीं था जिस पर मेरे जादू का असर न हुआ हो। अचानक जादूगर का तहखाना टूटने लगा। राजकुमारी अपने राजकुमार को पत्थर बनते देखकर उदास हो गई थी पर उस नीडर राजकुमारी को याद आए वो काले पत्थर जो उसे परी काफिला ने दिए थे। उसने उसमें से एक पत्थर लिया और राजकुमार के जिस्म को छुआ और धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा और वो राजकुमार वापस जिंदा हो गया। उसी समय सूरज की पहली रोशनी आई और उसने हजारों पत्थरों को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्हें जादूगर ने पत्थर बना दिया था। अब मेरे पास बस एक ही पत्थर बाकी है और अभी हजारों लोगों को बचाना भी बाकी है। मेरी मदद करो परी काफिला, अब मैं क्या करूं? उस पत्थर को लेकर जादूगर के क्रिस्टल बॉल को छुओ पर उससे पहले ओ राजकुमार उस जादूगर को क्रिस्टल बॉल तक लेकर जाओ और उसे 3रे ड्रैगन के पास बांध दो। राजकुमार और राजकुमारी ने ऐसा ही किया। जैसे ही डायना ने पत्थर से क्रिस्टल बॉल को छुआ उस क्रिस्टल बॉल से पानी बहने लगा और पानी चारों ओर भर गया और जैसे ही पानी ने मूर्तियों को छुआ सभी लोग वापस जिंदा हो गए। और जैसे जैसे सभी लोग जिंदा होने लगे जादूगर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा और अब इसी तरह वो पूरी जिंदगी रहेगा। राजकुमारी और राजकुमार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारी जान बचाई। राजकुमारी डायना और राजकुमार वापस डायना के महल में चले गए। हे महाराज, मैं आपकी बेटी राजकुमारी डायना से शादी करना चाहता हूँ। पर क्या तुम ये जानते हो कि डायना के ऊपर एक बद्दुआ है और उसका विवाह एक पत्थर दिल राजकुमार के साथ ही होगा? क्या क्या कहा आपने? क्या आप एक बार फिर से वो नाम दोहराएंगी? पत्थर दिल राजकुमार।
मेरी बेटी से। महारानी, मैं ही हूँ वो पत्थर दिल वाला राजकुमार। क्या क्या? खैर, मेरे लोग मुझे नेक दिल वाला राजकुमार समझते हैं, जो लोगों की जिंदगियों में प्यार, उम्मीद और खोई हुई खुशियों का नूर लाता है। वो कहते हैं कि मैं पत्थर दिलों को पिघलाता हूँ, इसीलिए वो मुझे पत्थर दिल वाला राजकुमार कहते हैं। कुछ सालों पहले यही तोहफा उन्होंने मुझे दिया था। इस महल में बंद रहकर मेरी उम्मीद और खुशी दोनों खत्म हो गई थी, और इसलिए परी काफिला ने मुझे तुम तक पहुँचाया। मैंने आपसे कहा था ना, हमें इसे बद्दुआ नहीं समझना चाहिए। ये एक बद्दुआ हो सकती थी डायना, अगर तुम उस बाघ के लिए नेक दिल और उस जादूगर के लिए नीडर नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि नामकरण के दिन मैंने आपका अपमान किया था, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, परी काफिला ने महारानी को माफ कर दिया था, और पत्थर दिल वाले राजकुमार और राजकुमारी डायना की शादी हो गई, और वो राजी खुशी रहने लगे। और इसलिए कहते हैं, अगर हम एक नेक दिल इंसान हैं जो हमेशा से सही चीजें और दूसरों की मदद करते हैं, और अगर हम लीडर हैं, तो हम बुरे हालात को भी एक दुआ में बदल सकते हैं।